हेलो एवरीवन, मैं कुमकुम कुलश्रेष्ठ अपने चैनल चिल्ड्रंस कॉर्नर में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने अपने बच्चों के साथ एक सोइंग प्रोसेस किया था। आशा है कि उसमें बच्चों को मज़ा आया होगा और उन्होंने एंजॉय भी किया होगा। देखिए, आज मैं बता दूँ, आज बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है जिसको हम और आप सभी भूल चुके हैं। आज हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ एनिवर्सरी है। आप लोगों के साथ मैंने पहले डिस्कस किया था कि हम लोग अपनी बर्थडे पर, एनिवर्सरीज पर, अर्थ डे पर, इन्वायरमेंटल डे पर एक प्लांट ज़रूर लगाएंगे और उसका लुक आफ्टर करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस दिन भी हम अपने बच्चों के साथ एक प्लांट ग्रो करें जिससे बच्चों को आज का दिन हमेशा याद रहे। आइए देखते हैं कि इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम एक पॉट लेते हैं जिसमें हमने मॉइस्ट सॉइल डाल दी है। अगर हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है तो हम ये एक कर्ड का डिब्बा ले सकते हैं और इसके पीछे एक छेद कर देंगे और सेम प्रोसीजर जो हम इस पॉट के साथ करेंगे इस कर्ड के डिब्बे के साथ ही कर सकते हैं। और अगर हमें अपने ड्राइंग रूम को सुंदर बनाना है, उसको सजाना है या अपने बेडरूम में रखना है तो हम कोई भी ग्लास का पॉट ले लेंगे और उसमें हमें सॉइल नहीं डालनी है, उसमें हम हाफ लेवल तक वाटर भरेंगे और फिर उसको सजा करके रख देंगे। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। उसके बाद देखते हैं कि इस प्रोसीजर को पूरा करने के लिए हम किस तरीके से इस प्लांट को इसमें ग्रो करेंगे, इस पॉट में ग्रो करेंगे और फिर वाटर में ग्रो करेंगे। अब हम अपने मनी प्लांट की तरफ चलते हैं। इसको मैंने धीरे धीरे करके इस तरीके से काटा है, बहुत स्लोली स्लोली ध्यान से। और ध्यान रहे कि जब हम इसको कट लगाते हैं तो वो तिरछा कट लगाया जाए और ये जो इसकी नोट दिखाई दे रही है इसके नीचे से इसको काटेंगे। अगर ये नोट कट जाएगी तो इसमें से रूट ढंग से डेवलप नहीं कर पाएंगी जिसकी वजह से हमारा प्लांट भी ग्रो डेवलप नहीं कर पाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास खुरपी है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज हम बड़ा नाइफ भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से इस सॉइल को थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे। फिर देखिए जिस तरह से मैं बहुत हल्के हाथ से इसको पकड़ के इसमें सॉइल में लगा रही हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। और फिर इस नीचे वाले पार्ट को सॉइल से कवर करना है, ढक देना है। उसके बाद ये जो हमारे पास और सॉइल रखी है वो हम इसमें डाल देंगे जिससे ये अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सॉइल भी जो हम स्प्रेड कर रहे हैं वो चारों तरफ करें, ये देखिए इस तरीके से। और थोड़ा सा पानी फिर इसमें हम छिड़क देंगे ऐसे। फिर हम इसको सनलाइट में रख सकते हैं। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा धूप में हमें इसे नहीं रखना है। सेकेंड चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि हम उसको अपने किसी कांच के बर्तन में भी एज अ शो पीस यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं वो कैसे। उसके लिए भी हमें सेम तरीके से इसमें से एक ब्रांच कट करनी है और उसमें भी दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें ये इसको तिरछा काटना है डायंगल फॉर्म में और इसकी जो नोड है वो नहीं कटे। और फिर हमें इसमें इस तरीके से इसको रख देना है। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। और इसको फिर हम किसी अपने ड्राइंग रूम में, सेंटर टेबल के ऊपर, फ्रिज के ऊपर, टीवी के ऊपर, बेडरूम में इसको एज अ शोपीस सजा सकते हैं। इस प्लांट से देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इसको देखने से ग्रीन कलर का है, ये एवर ग्रीन प्लांट है, बहुत ज़्यादा हमें ये पॉजिटिविटी देता है। इसलिए मैंने बच्चों के लिए आज ये प्लांट चूज़ किया है। जिस तरीके से ये प्लांट ग्रो करता है, हमेशा हरा भरा रहता है,
क्यों ना हमारे बच्चे भी इसी तरीके से हर एटमॉस्फेयर में अपने को ग्रो करें, अपनी क्वालिटीज को डेवलप करें और वे एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल बच्चे अपने घर के लिए बने, अपनी सोसाइटी के लिए बने और अपने कंट्री के लिए बने। आज का मेरा यही एक मैसेज है अपने बच्चों के लिए। चलते चलते मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरे वीडियो को देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।